फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ओके। तो आज मैं 10th क्लास के लिए फिजिक्स का टॉपिक लाइट स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये फिजिक्स का मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो क्लास 10 लेक्चर 1 टॉपिक नेम इज लाइट। ओके। मैं एक एक करके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और जब इसका कुछ टॉपिक हो जाएगा तो फिर 10th के लिए, 9th के लिए मैथ भी अपलोड करवाएंगे। ठीक है डियर। तो लाइट क्या होता है? तो लाइट, देयर आर 3 बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। 1 इज लाइट, 2nd इज हीट एंड 3rd इज साउंड। तो हीट, साउंड एंड लाइट, देयर आर बेसिक 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यह 3 फॉर्म है। कहीं भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का कंजम्पशन, एनर्जी का इवोल्यूशन इसी 3 फॉर्म में होता है। ओके। तो लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस फॉर सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमको देखने के लिए एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लाइट। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन फॉर विजन। डियर स्टूडेंट, जैसे वॉल है, टेबल है, बेंच है, अपने आप किसी चीज को देख रहे हैं, प्लांट को, फ्लावर को, फ्रूट को, ये सब किस कारण से संभव हो रहा है, किस कारण से पॉसिबल है? ड्यू टू लाइट। और लाइट का कौन सा फेनोमेना? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट एनर्जी ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इन 2 ग्रुप। 1 इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड अदर इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ल्यूमिनस, दूसरा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स लाइट, विच गिव्स अस लाइट, जो हमको लाइट देता है, जिससे लाइट निकलता है, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके। एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स अस लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो गया सन, स्टार, ट्यूबलाइट, बल्ब एक्सेट्रा। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है। ओके। वह विजिबल होता है बाय द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया टेबल, चेयर, वॉल, मून। मून को भी अपना लाइट नहीं होता है। ओके। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लाइट एग्जिबिटिंग ड्यूअल कैरेक्टर। लाइट का जो कैरेक्टर है वह दो तरह का कैरेक्टर है। वन इज पार्टिकल कैरेक्टर एंड अदर इज वेव कैरेक्टर।
पार्टिकल कैरेक्टर को क्लासिकल मैकेनिक्स जो न्यूटन बाबा ने दिया था, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर लाइट इज कंसीडर एज ए पार्टिकल। ओके, इसके लिए न्यूटन ने एक बहुत ही फेमस थ्योरी प्रपोज किए थे, और न्यूटन साहब का वह थ्योरी था कॉर्पस कूलर थ्योरी। कॉर्पस कूलर थ्योरी, कॉर्पस किल मीन्स पार्टिकल, कॉर्पस किल मीन्स पार्टिकल, और जहां भी पार्टिकल का बात आएगा तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा। किस लाइन में होगा? स्ट्रेट लाइन में। तो डियर स्टूडेंट, लाइट एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर, वन इज पार्टिकल एंड अदर इज वेव। वन इज पार्टिकल एंड अदर इज वेव। पार्टिकल कैरेक्टर को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत न्यूटन साहब के थ्योरी से जानते हैं कि लाइट जैसे ट्यूब लाइट है तो उससे बहुत ही छोटा छोटा कार्पस्कल निकलता है। कार्पस्कल मीन्स पार्टिकल। वो पार्टिकल पे लाइट पड़ता, रिफ्लेक्ट होके हमको दिखाई पड़ता है। तो नेचर ऑफ ऑप्टिकल एप्लियंसेस, बल्ब का कार्पसल्स अलग होगा, ट्यूबलाइट का अलग होगा, वेपर का अलग होगा, सबका साइज ऑफ कार्पस्कल अलग अलग होता है। ठीक है, उससे बहुत सारा पार्टिकल निकलता है, और पार्टिकल का जो मोशन होता है ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन ऑन द बेसिस ऑफ कार्पस्कुलर थ्योरी। हाँ, इस थ्योरी का कुछ डिफेक्ट भी है, जो बहुत बड़ा डिफेक्ट है, उसको हम नेक्स्ट जब रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे तब क्लियर करेंगे। ओके, तो कार्पस्कुलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल्स व्हिच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। द साइज ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट ऑप्टिकल एप्लायंसेस। ओके, नेक्स्ट, वह कौन कौन सा फेनोमेना था जो न्यूटन साहब के कार्पस्कुलर थ्योरी दैट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट किया था? किसको सपोर्ट किया था? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तीन फेनोमेना किसके सपोर्ट में दिया गया? लाइट इज कंसीडर एज ए पार्टिकल विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट, लाइट का वेव कैरेक्टर। लाइट जो है एक वेव है, और वेव कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, इट ट्रेवल इन ए जिग जैग मैनर। तो न्यूटन के हिसाब से लाइट जो था वो क्या था? ये ट्रेवल करता था पार्टिकल नेचर में स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लेकिन वेव नेचर में पार्टिकल कैसे ट्रेवल करता था? जिग जैग मैनर में। ये हो गया वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ये हो गया पार्टिकल नेचर, और ये हो गया वेव नेचर। ओके, नेक्स्ट, वेव नेचर को एक्सप्लेन किया था हाइजेंस, HUYGENS, और वेव नेचर को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा फेनोमेना था जो न्यू पार्टिकल बन के लाइट एग्जिबिट नहीं कर सका। वेव नेचर में रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, और ये फेनोमेना सिर्फ वेव एग्जिबिट करेगा, पार्टिकल एग्जिबिट नहीं करेगा। तो लाइट ऐसा फेनोमेना भी शो करता है, इसलिए ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेव। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ वेव। कौन कौन सा फेनोमेना वेव के लिए है? इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन।
All these phenomena support the wave nature of light और ये phenomena particle nature का के द्वारा proof नहीं हुआ, ठीक है? तो बाद में इंडक्शन और मैक्सवेल ने इसको लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर दिया, यानी द वेव विच एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो इसके पास और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अकॉर्डिंग टू एंडरसन एंड मैक्सवेल, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये जानना जरूरी है कि अब ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए लाइट का जो कंसेप्ट है वह भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज व्हाट इज रे। रे इज नथिंग, इट इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट which is represented by straight line in the propagation of direction of light, ठीक है? Light ray is nothing, it is hypothetical consideration, it is represented by straight line in the propagation of direction of wave of light, so this is called रे। ओके, हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव। ओके, नाउ बंच ऑफ रे, ग्रुप ऑफ रेज, ग्रुप्स ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज groups of ray is called beam of light, it's called beam of light। So beam of light three types ka hota hai, there are three types of beam of light। One is beam of light, बीम ऑफ लाइट, ये थ्री टाइप्स का होता है। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। ओके, दिस इज द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ रेज कॉल्ड बीम। बीम इज ऑफ थ्री टाइप्स, one is parallel, diverging or converging। parallel beam
के द्वारा कोई भी एडवर्टीजमेंट का काम होता है, क्योंकि इसका इंटेंसिटी और एनर्जी बहुत लॉन्ग ट्रेवल करने के बाद भी चेंज नहीं होता है। ओके, डाइवर्जिंग बीम एक पॉइंट सोर्स से निकल के इट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम। तो इसको लाइट व्हीकल में जो लाइट लगता है वहां पर एक रिफ्लेक्टर लगाया जाता है जो डाइवर्ज करता है लाइट को, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग बीम। ओके, कन्वर्जिंग बीम डिफरेंट जगह से लाइट आया, सोर्स से लाइट अलग अलग डायरेक्शन से आया और इट इज कंसंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट। कहीं से भी लाइट आया एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हुआ, उसका नाम हुआ कन्वर्जिंग बीम। ये जनरली डॉक्टर लोग यूज करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन करने के लिए उनका जो रिफ्लेक्टर लगा होता है वो लाइट रे को कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे डालता है। ओके, तो बीम इज ऑफ थ्री टाइप्स, पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम एंड कन्वर्जिंग बीम। तो ये तो हो गया लाइट का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन ए सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन ए सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जस्ट लाइक ए रबर बॉल, जब किसी रबर बॉल को किसी वॉल में फेंकते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो बॉल फिर मेरे ही तरफ लौट करके चला आया, यानी सेम मीडियम में गया और उसी मीडियम में वापस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है आज हम लोग पढ़ेंगे थ्रू प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस मींस प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस मींस प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस मींस प्लेन मिरर। ओके, दिस इज प्लेन मिरर। वन साइड ऑफ प्लेन मिरर इज कोटेड विथ सिल्वर एंड विथ ब्लैक पेन। वन साइड एंड बैक साइड ऑफ प्लेन मिरर कोटेड विथ सिल्वर एंड ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, दिस इज प्लेन मिरर। A ray of light falling on the surface, this phenomena is called illuminance. This phenomena is called illuminance. कोई भी लाइट रे किसी भी सरफेस पे पड़ रहा है तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेंस।
There are two types of illuminance. One is normal illuminance and other is oblique illuminance. This is oblique illuminance. And दूसरा इल्यूमिनेंस जो होगा वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है जिसका नाम है नॉर्मल इल्यूमिनेंस. ये सरफेस पे परपेंडिकुलर जो पड़ा दिस इज कॉल्ड नॉर्मल इल्यूमिनेंस. ऑब्लिक और नॉर्मल. तो किसी सरफेस पे रे का पड़ना इल्यूमिनेंस कहलाया. There are two kind of illuminance of ray on the surface. One is oblique, other is normal. So this is the plane mirror and one side is coated with silver and black paint. So upper part of the mirror is considered a reflecting surface. On the reflecting surface, the ray of light is incident at point O. O point पे एक ray of light incident हुआ and it rebound back. It is bouncing back in the same medium. जैसे एक ball को दीवार में मारे वह फिर मेरे पास आ गया. So this is called incident ray. Incident ray. This is called reflected ray. Reflected ray. A O is incident ray. O B is reflected ray. And at the point of incident, we draw a normal to the surface. Normal to the surface. This is normal. Normal. Okay? So, ye plane surface, ye reflecting surface, ye incident ray, jo ray surface pe aa raha hai. और सरफेस पे पॉइंट ओ से टकराने के बाद ये उसी मीडियम में बाउंसिंग बैक हो गया, लौट गया. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. तो एओ इज इंसिडेंट रे, ओबी इज रिफ्लेक्टेड रे एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वी ड्रॉ ए नॉर्मल टू द सरफेस व्हिच इज डिनोटेड बाय एम. नॉर्मल इज डिनोटेड बाय एम. ओके. The incident ray make an angle with normal called I. I is incidence angle. Incident angle. And reflected ray also form the angle with normal called R. तो एंगल आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्कस about the reflection, laws of reflection through plane mirror and spherical mirror. Okay, bye.